मैं एक ही बात कहना चाहूँगी। जनजातीय सुरक्षा मंच त्रिपुरा, यह अखिल भारतीय जनता जनजातीय सुरक्षा मंच का मंच की एक शाखा है। ये केवल त्रिपुरा के आवाज नहीं है, ये पूरे भारत की जनजाति समुदाय की आवाज है। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे भारत के जनजाति समुदाय की यह आवाज है, और वो आवाज इसलिए है कि डॉक्टर कार्तिक उरांग जी जो कि सांसद रहे हैं, उन्होंने 1970 में 348 MP के सिग्नेचर लेकर, सिग्नेचर कैंपेन करके उन्होंने संसद में रखा, और उस समय के प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी मैडम को उन्होंने एक सिफारिश प्रस्तुत की थी कि पूरे भारत में ऐसा देखा जा रहा है कि जनजाति समुदाय में जिसको असल में एसटी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिसके लिए 342 आर्टिकल संविधान में बनाया गया था, उसके हिसाब से जिनको एसटी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसे वो एसटी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। एक बात ये, दूसरी जो जनजाति धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में चले गए, चर्च के प्रभाव में चले गए, वे अब जनजाति धर्म की मान्यताओं को, जो जनजातीय मान्यताएं हैं, जो जनजातीय विश्वास है, जो जनजातीय रीति रिवाज परंपरा संस्कृति, उनका जो जीवन मूल्य है, उनकी भाषा संस्कृति से जुड़े हुए जो उनकी सांस्कृतिक विकास है, उससे ना मानते हुए वे दूसरे धर्म में चले गए। वे लोग जो है अब एसटी फैसिलिटी ज़्यादा ले रहे हैं, खुद को वे माइनॉरिटी में चले गए, लेकिन वहाँ की सुविधाएं, शिक्षा दीक्षा वो चर्च से लेते हैं, चर्च आधारित मिशनरी स्कूल से लेते हैं, नौकरी करते समय वे फिर से एसटी सर्टिफिकेट शो करके नौकरी लेते हैं, डबल बेनिफिट, उसी को हम लोग डबल बेनिफिट कह रहे हैं, डबल फैसिलिटी। उन लोगों को आइडेंटिफाइड करके हम उनसे यह आग्रह कर रहे हैं, कार्तिक उरांग जी का भी यही आग्रह था, यही रिक्वेस्ट था कि उन्हें आइडेंटिफाइड करके माइनॉरिटी में भेज दिया जाए, और जो असल में जनजाति है उन्हें ही जनजाति सुविधा, जो एसटी फैसिलिटीज बनाई गई है शेड्यूल ट्राइब के अंदर, उन्हीं को ये फैसिलिटीज दी जाए। ये पार्लियामेंट में जमा तो किया गया, प्रधानमंत्री मैडम को जमा भी की गई थी ये सिफारिशें, लेकिन दुर्भाग्य से कार्तिक उरांग जी का निधन संसद में ही हार्ट अटैक से हो गए थे। तो उनका यह सपना जो है जनजाति सुरक्षा मंच ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। 2006 में जनजाति सुरक्षा मंच अस्तित्व में आया, और तब से लेकर यह काम चल रहा है कि हम उनके अधूरे सपने को पूरे करेंगे, और उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, पूरे भारत में जो कन्वर्ट हो गए हैं उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी जाति से भी मतलब नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी मतलब नहीं है, ये टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और केवल जनजातीय रीति रिवाज परंपरा की रक्षा के लिए यह मंच बना है, और उसी की रक्षा के लिए हम लोग त्रिपुरा में भी आह्वान कर रहे हैं। अभी त्रिपुरा में कितने ऐसे लोग हैं जो जनजाति है, वो जो ट्राइबल है ना, वो अभी कितने हैं जो अलादा जो फैसिलिटी है वो ले रहे हैं, ऐसा कितना है? नहीं, त्रिपुरा में अभी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, अभी हम लोग पब्लिक में नहीं ला सकते हैं। है, हाँ, बना रहे हैं, हम है त्रिपुरा में भी बना रहे हैं, पर अभी हम पब्लिक में नहीं ला। इसके लिए त्रिपुरा में क्या क्या आप आंदोलन करेंगे? पहला हमारा स्टेप, पहला कदम तो 25 तारीख क्या होगा, हम महारैली निकालेंगे। इससे क्या जनजातीय भाई बंधु जो भी अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं, उन सभी जनजातीय भाई बंधुओं का महामिलन हम लोग करेंगे 25 तारीख को, हमारा यही उद्देश्य है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिलन रानी जमातिया है।